नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत बाल कलिका कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय अभ्यासेन मूर्खा अपि विद्वान भवति, यानी कि अभ्यास से भी मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन सकते हैं, अर्थात कि जो व्यक्ति अभ्यास करते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करते हैं तो वह भी विद्वान बन सकते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। विद्या अध्ययनम यानी कि पढ़ाई, सह पाठिनः साथ पढ़ने वाले, स्मरण शक्ति याद करने की शक्ति, प्रसिद्ध मशहूर, गर्तः गड्ढा स्थापयित्वा रख कर। आइए चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्याः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुराने समय में एक आश्रम में अनेक शिष्य अध्ययन कर रहे थे। तेषु एकः मंदबुद्धि छात्रा आसीत्। उनमें से एक मंदबुद्धि छात्र था। तस्य नाम वरदराजः आसीत्। उसका नाम वरदराज था। तस्य स्मरण शक्ति क्षीणा आसीत्। उसकी याद शक्ति कमजोर हो गई थी। सह तत् सर्वमेव विस्मृति स्म, और वह जो भी पढ़ता था वह सब भूल जाता था। सह पाठिना तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, और इसी वजह से जो उसके साथ के सहपाठी थे, उसके मित्र थे, वह उसका उपहास उड़ाते थे। एकदा क्रुद्धः गुरु ता अकथयत, और क्रोध में आकर एक बार उसके गुरु ने उससे कहा, अहम् समयक रूपेण अपश्यम् यत् त्वम् पठितम् पाठम् स्म तुम न सकोषि। मैं ठीक ठीक देखा कि आपको पढ़ा हुआ पाठ याद नहीं रहता है। मम सम्मति अस्ति यत् किश्चिन् अन्यत् कार्य करो, मेरी सहमति है कि तुम्हें कोई दूसरा कार्य करना चाहिए। अध्ययने व्यर्थ कालम मा यापत, पढ़ाई में समय बर्बाद मत करो। वरदराज निराशः अभवत् अचिन्तयत् न अहो मन्दमति भाग्यहीन अहम्। वरदराज जो है निराश हो जाता है और वह बोलता है कि मैं कितना मंदबुद्धि हूँ और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में तो शिक्षा ग्रहण करना है ही नहीं। इदा नीम किम कुर्याम, अब मैं क्या करूं, कुत्र गच्छें, कहां जाऊं मैं। खिन्ना भूत्वा सह इतस्तः भ्रमति स्म, खिन्न होकर परेशान होकर वह इधर उधर घूमता है। मार्गः सह एकम कूपम अपश्यत, मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कूपे अनेका महिला जलेन घटान पूरयन्ति स्म, और उस कुएं से अनेक महिलाएं जल भर रही होती हैं। ताह महिला यस्याम शिलायाम घटा स्थापित्वा जल पूरयन्ति स्म, जहां से महिला जिस कुएं से महिलाएं पानी निकाल के जल को रख रही होती हैं, उसी के पास घड़े को बार बार रखने से तत्र एकः गर्तः अभवत्, वहां देखता है कि वहां पे एक गड्ढा बन चुका है। गतम दृष्ट्वा सह अनिश्चयत्, गड्ढे को देखकर वह निश्चय करता है यदि मृत्तिका घटेन शिला या गर्तः अभवत्, और यदि मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा हो सकता है, तही पुनः पुनः स्मरण मम स्मरण शक्ति अपि कथम त्रिवा न भविष्यति, क्या मेरी बार बार अभ्यास करने से स्मरण शक्ति तेज नहीं हो सकती है। यह दृढ़ निश्चय करके वह आश्रम की ओर जाता है। एवं विचार्य सह पुनः आश्रमम अगच्छत, गुरु स्म नयत अश्रावयत, मेरे विचार से मुझे दोबारा से आश्रम जाना चाहिए अपने गुरु जी के पास, और फिर से सभी पाठों को दोबारा से याद करना चाहिए। सह विद्या प्राप्त अर्थ दृढ़ निश्चयम
करोतः पुनः पुनः पाठम असमर्थ। और वह विद्या का दृढ़ निश्चय करके कि वह अच्छे से पढ़ेगा, विद्यालय की ओर जाता है और अपने पाठ का बार बार अभ्यास करता है। सतत अभ्यासेन तस्य स्मरण शक्ति तीव्र अभवत, और बार बार अभ्यास करने से उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। शीघ्रमेव सह सहपाठीनां गुरुजनानां च स्नेहपात्रम् अभवत, और शीघ्र ही वह अपने सहपाठियों का, अपने मित्रों का और गुरुजनों का स्नेहपात्रम् बन जाता है। स्नेह मतलब सब उससे बहुत प्यार करने लग जाते हैं। सह वरदराजः एवं संस्कृतस्य महान पंडितः अभवत, और फिर साथ ही वरदराजः आगे चलकर संस्कृत का महान पंडित बनता है। सह लघु सिद्धांत को मोदिनी नामक संस्कृत व्याकरण रचयत, और वह संस्कृत व्याकरण की एक लघु सिद्धांत को मोदिनी नामक पुस्तक की रचना करता है। संस्कृत साहित्य सह प्रसिद्ध अभवत, और बाद में यह संस्कृत साहित्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। अतः सिद्धम् इदम् अभ्यासेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अभ्यासेन मूर्ख अपि विद्वान् अभवति, अभ्यास से ही मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन सकते हैं। यानी कि अगर हम अभ्यास अच्छे से करते हैं और बार बार करते हैं तो मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, समुचित पद को पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वरदराजः डैश छात्र आसीत, वरदराज कैसा छात्र था? मन बुद्धि छात्र था। सतत डैश तस्य स्मरण शक्ति तीव्र अभवत, सतत लगातार अभ्यास से उसकी जो अभ्यासेन लगातार अभ्यास करने से उसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है। अनेकः डैश घटान पूरयन्ति स्म, अनेक डैश यानी कि अनेक महिलाएं क्या घड़ों से पानी भर रही थी। घ वरदराजः मार्गे एकः डैश अपश्यत, वरदराज को मार्ग में क्या दिखाई देता है? एक कूपम यानी कि कुआ दिखाई देता है। सहपाठिनः तस्य डैश कुर्वन्ति स्म, सहपाठी उसका क्या उड़ाते हैं? सहपाठी उसका उपहासम यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं। धन्यवादः, धन्यवाद विद्यार्थियों। इसी के साथ हमारे यह पाठ समाप्त होता है।